नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धनु राशि वालों, दोस्तों आपके ऊपर है एक देवी का हाथ। दोस्तों हो जाइए सावधान, यह देवी का हाथ आपके ऊपर क्यों है यह सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी जो अपने जीवन काल से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। जी दोस्तों, हम आपसे बता दें कि जिन लोगों के जीवन काल में लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है, दोस्तों उन सभी के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही बड़ी खुशखबरी साबित होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। जय दोस्तों, उससे पहले दोस्तों सर्वप्रथम जो भी शनि के सच्चे भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिख दें जय शनिदेव। भगवान शनिदेव की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त होगी। जय दोस्तों, दोस्तों यह देवी का हाथ आखिर आपके सर पर क्यों है यह सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे और यह देवी के आशीर्वाद से अब आप सभी के जीवन काल में आने वाले समय में आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी, कौन कौन सी बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है, इन सभी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। शायद दोस्तों इस देवी की आप पहचान कैसे कर सकते हैं, इसके उपरांत दोस्तों बात करेंगे कि अब आपको अपने जीवन काल में कौन सी गलतियां नहीं करनी है ताकि दोस्तों आपके जीवन काल में दोबारा आपको कोई भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। तो दोस्तों आज का यह वीडियो पूर्ण आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, इन्हें आप बिल्कुल ही मिस ना करें और दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जय दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात से, बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान से जो कि दोस्तों आप सभी को अपने जीवन काल में अब याद रखने हैं और दोस्तों इन्हें बिल्कुल ही अपने जीवन काल में ढालने हैं। दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन काल में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन, सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होगा। यह दोस्तों कि दोस्तों यदि सफलता एक सुंदर पुष्प है तो दोस्तों विनम्रता उसकी सुगंध। जिंदगी में जो चाहो हासिल कर लो, बस इतना ख्याल रखना कि आपकी मंजिल का रास्ता लोगों के दिलों को तोड़ता हुआ न गुजरे। जय दोस्तों, अच्छी सोच रखें, अच्छे विचार रखें, अच्छी भावना के साथ किया गया कार्य हमेशा आपका सफल होगा। जय दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको यह बातें अच्छी लगी हो या बातों को आप समझ पाए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आइए दोस्तों सके साथ बात करते हैं कि यह देवी का हाथ आखिर आपके सर पर क्यों है। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दी कि आप अपने जीवन काल में बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपने जीवन काल को आगे बढ़ाने के लिए आप दिन रात तक को एक किए हैं। पिछले समय आपने इतने सारे मेहनत किए हैं कि दोस्तों वे सिर्फ आप ही जानते हैं, किसी को आप यह बातें भी नहीं बताते। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि उनका फल जो है अभी तक आपको नहीं मिल पाया है और दोस्तों आप अपने जीवन काल में अभी भी निराश चल रहे हैं। जी दोस्तों, लेकिन दोस्तों वो कहते हैं कि भगवान के घर देर है लेकिन दोस्तों अंधेर नहीं। जी दोस्तों, पिछले समय के अच्छे कर्मों का फल ही है जो कि यह देवी का हाथ आपके सर पर अब आने वाले हैं। जी दोस्तों, तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि पिछले समय जो भी आपने कार्य किए हैं उनका फल यह देवी आपको आने वाले समय में देने वाले हैं। अब आने वाले समय में यह देवी के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन काल में कौन कौन से बड़े बदलाव होंगे, कौन कौन सी बड़ी घटनाएं आपके घर के माहौल में, आपके प्रत्येक क्षेत्र में होने वाले हैं, इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो दोस्तों पूरी वीडियो आप ध्यान से सुनिएगा, आप खुशी से झूमने वाले हैं। तो आए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यह समय आध्यात्मिक तथा धार्मिक कार्यों में सुखद समय व्यतीत होगा। घर में नैतिक संबंधियों के आगमन से मनोरंजन और खुशनुमा वातावरण भी बना रहेगा। दोस्तों अगर स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं तो दोस्तों उस पर गंभीरता से अवश्य कार्य करें, समय अनुकूल होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में अपने ऊपर आलस की भावनाओं को हावी न होने दें तथा अत्यधिक सोच विचार करने में भी समय न लगाएं, इसका नकारात्मक प्रभाव आपकी छवि पर पड़ सकता है। तो दोस्तों इस बात का यश में आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों यश में अपनी योजनाएं और फिर गतिविधियों की जानकारी किसी को भी ना दें, ये आपके यश में के लिए बहुत ही बेहतर साबित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में दिन की शुरुआत से ही आपको सकारात्मकता नजर आएगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित कामों में आपको सफलता भी यश में प्राप्त होने वाली है। नए प्रोजेक्ट की शुरुआत होने के लिए आपके जो समय होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण समय होंगे। काम के प्रति आपका यश में उत्साह भी बढ़ने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, ये दोस्तों आपको बता दें
अपने किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर असमंजस की स्थिति में किसी नजदीकी व्यक्ति या फिर विशेषज्ञ का साथ सलाह मशवरा अवश्य करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। आपको इसमें उचित सलाह भी मिलने वाली है। दोस्तों, यश में ग्रह स्थितियां आपके लिए जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन भी ला रही है, परंतु समय का सदुपयोग करना आपका कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, इस बात पर यश में आपको ध्यान देना चाहिए। शादी दोस्तों, यश में अपने व्यक्तिगत कार्य में व्यस्तता के कारण अपने रिश्तेदारों व फिर संबंधियों को नज़रअंदाज ना करें। कभी कभी आपकी ईगो व फिर गुस्सा आपके बनते कार्यों में परेशानी भी उत्पन्न कर देता है। तो दोस्तों, यशमी इन बातों का ध्यान रखें। संतान की संगति व फिर गतिविधियों पर यशमी नज़र रखना आपके लिए आवश्यक होगा। तो दोस्तों, बिल्कुल भी यशमी लापरवाह ना रहें। इसके उपरांत दोस्तों, यशमी आपके लिए समय होंगे मेहनत तथा आत्मविश्वास के बलबूते काम को कर पाएंगे और उनमें अच्छी सफलता को भी आप यशमी अर्जित कर पाएंगे, ये आपके लिए समय होगा। दोस्तों, परिवार की तकलीफों से दूर होने की कोशिश जारी रहेगी। दोस्तों, जो बातें आप खुद सुलझा नहीं सकते हैं, ऐसी बातों से आपको इसमें दूर ही रहना आपके लिए ठीक रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण भी रहने वाले हैं, परंतु आप अपनी प्रतिभा और फिर कार्य क्षमता द्वारा हर परिस्थिति का सामना करने में भी समर्थ रहेंगे। दोस्तों, स्वयं का विकास करने के लिए स्वभाव में थोड़ा सा स्वार्थीपन भी आपको लाना जरूरी होगा। पठन पाठन तथा लेखन में भी आपका जो मन है बहुत ही अच्छा लगेगा। मन मुताबिक आपका समय इसमें व्यतीत होने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों, यश में आर्थिक मामलों में बजट पर आपको खास ध्यान देने की जरूरत भी होगी। कभी कभी ऐसा लगेगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा है। दोस्तों, कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में भी जरूर व्यतीत करें। दोस्तों, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इनसे दोस्तों आपको स्फूर्ति की प्राप्ति होगी तथा रुचिपूर्ण कार्यों में भी कुछ समय आप यश में अवश्य व्यतीत करें। इनसे दोस्तों आपके अंदर जो है सकारात्मकता आएगी। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों, यश में दिन की शुरुआत में कुछ बातें के प्रति कन्फ्यूजन बना रहेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे आपको क्लैरिटी भी नजर आने लगेंगी। दोस्तों, यश में महत्वपूर्ण काम भी शुरू हो सकते हैं और दोस्तों, ये जो समय है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय होगा। दोस्तों, उनका अमल करने की आप कोशिश करें और ये कोशिश आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली होंगे। मित्र द्वारा मिल रही सहायता आपके लिए अत्यंत उपयुक्त होने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि आपकी सफलता का कोई भी द्वार यश में खुलने वाला है। दोस्तों, पिछले काफी समय से जो चिंता आपके अंदर चल रही थी, आपके मन में चल रही थी, दोस्तों वह चिंता यश में दूर होंगी। लाभ प्राप्ति के साथ साथ उत्साह व फिर ऊर्जा भी यश में आपका बढ़ेगा। ऊर्जा का यश में आपके अंदर संचार होगा। किसी दीर्घकालीन योजना पर भी काम शुरू हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके अपने नजदीकी लोग ही आपके लिए रुकावटें व फिर अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, यश में इन बातों पर आपको गौर करना चाहिए, इन बातों को अपने ध्यान में रखना चाहिए। किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातों में यश में आप ना आए। कामकाज व फिर पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाना यश में आपके लिए चुनौती होगा। तो दोस्तों, इन सभी चीजों पर यश में आपको ध्यान देना अति आवश्यक होगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि भावनात्मक संतुलन न बने रहने की वजह से किसी भी बात पर ध्यान दे पाना आपके लिए थोड़ा सा कठिन भी होगा। परिवार के लोगों के प्रति बढ़ता रोष आपके लिए नुकसानदायक होगा। दोस्तों, आपके अंदर बढ़ रही बदले की भावना आपका बड़ा नुकसान कर सकती है, इसलिए दोस्तों, दूसरों को माफ करके आगे बढ़ना यश में आपको सीखना होगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत के उचित परिणाम भी हासिल होंगे, परंतु अपने पार्टनर अथवा कर्मचारियों की गतिविधियों और क्रियाकलापों पर आप ध्यान रखें। इन्हें नज़रअंदाज यश में बिल्कुल ना करें। कामकाज को लेकर की गई आपकी जो यात्रा है यश में लाभदायक रहने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों, यश में लॉ क्षेत्र से जुड़े जो भी लोग हैं, काम को आप ध्यानपूर्वक करें, ये आपके लिए यश में बेहतर साबित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में विवाहित जीवन में मधुरता बनी रहेगी। छोटी मोटी नकारात्मक बातों को यश में नज़रअंदाज करना आपके लिए बेहतर होगा, आपके लव लाइफ के लिए बेहतर होगा। दोस्तों, विपरीत लिंगी लोगों से मिलते जुलते समय मर्यादाओं का भी ध्यान रखें, ये आपके लिए और आपके घर परिवार के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, ये जो समय है आपके लव लाइफ के लिए, आपको बता दें कि पारिवारिक वातावरण तो सुखद बना रहेगा। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात पुरानी यादों को भी ताजे करने वाले हैं तथा मन भी यश में आपका प्रफुल्लित रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों, ये जो समय होंगे आपके लव लाइफ के लिए, पार्टनर का साथ मिलने की वजह से आपका कोई भी महत्वपूर्ण काम है या फिर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय है वो आसान होगा।
इसके उपरांत दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लव लाइफ के लिए, आपको बता दें प्रेम प्रसंगों में पढ़कर अपना समय को इसमें नष्ट ना करें दोस्तों, ये आपके लिए इसमें बेहतर साबित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लव लाइफ के लिए, आपका उदारवादी दृष्टिकोण घर परिवार को बेहतर बनाकर रखेगा, घर परिवार में बेहतर सामंजस्य बनाकर रखेगा तथा पारिवारिक सुख शांति भी उत्तम बनी रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों ये जो समय होंगे आपकी अगर स्वास्थ्य को लेकर बात करें अर्थात आपकी हेल्थ की, तो दोस्तों ये समय अत्यधिक भागदौड़ अथवा मेहनत का असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है, जिसकी वजह से थकान और कमजोरी आपके ऊपर हावी रहेगी। आपको बता दें यश में जिनको भी डायरिया या फिर अपच की तकलीफ है वो अपना उचित इलाज लें, अपने स्वास्थ्य का वो अवश्य ध्यान रखें। इसके उपरांत दोस्तों ये जो समय होंगे आपके स्वास्थ्य के लिए, आपको बता दें कि दोस्तों यश में घर के वरिष्ठ व्यक्ति के स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां रह सकती है, नियमित रूप से मेडिकल चेकअप अथवा इलाज अवश्य करवाएं दोस्तों, ये उनके स्वास्थ्य के लिए इसमें बेहतर साबित होंगे।